अनाउंसमेंट किया था कि रोड क्लोज हो गया है। ये देखो भाई इतना भारी वजन उठा के ले जा रहे हैं यार ऊपर। देखो चलो चलो अभी थोड़ा खुल रहा है रास्ता। ये और गुड मॉर्निंग गाइस, कुलुम भाई नमस्कार, सभी को स्वागत है और एक नई डेली ब्लॉग में। और हमारा आज लंच डे है यहाँ पे और ब्रेकफास्ट बोले तो ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। लेट्स सी क्या होता है आज का दिन। बस पूरा ब्रेकफास्ट करके अभी काम पे लग गया हूँ। ये देखो बर्फ पूरा काम पे लग गया हूँ। काम करना होगा ना, नहीं तो कैसे होगा भाई। ये देखो बर्फ पूरा, मैं थोड़ा बहुत बर्फ साफ करके अभी इधर आया हूँ घूमने के लिए। आदि शंकराचार्य जी का वो जो उनकी मूर्ति है इधर समाधि, समाधि के पास आया हूँ। मिल गया मुझे बीजी दा ट्रेवलर। गुड मॉर्निंग ब्रो, क्या बना रही हो? यहाँ पे कॉफी बना रहा हूँ अपने लिए। बढ़िया बढ़िया, हर हर महादेव। हर हर मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग, बंद करो खुले में हगना बंद। ये कैसा नारा है भाई। हाँ सच में यार, मेरे को भी दिखाई दिया यार, बहुत गंदा लगता है ना। बीजी दा ट्रेवलर भाई हमें ऑफर कर रहे कॉफी। ये देखो भाई, थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी ब्रदर। ओके ब्रो, की नगरी। ए भाई कमजोर है। भाई लोगों के साथ बैठ के कॉफी वॉफी पी लिया और इधर एक भैया मिल गया जो कि वेस्ट बंगाल से है। भाई आया था क्लीन हिमालय से हिमालय के लिए। अच्छा अच्छा, तो एक प्रोजेक्ट लेके आया तो इधर देखता है कितना गंदगी होता है, इसलिए सबको सचेतन करने के लिए। अच्छा, तो आप लोग आइएगा जब पहाड़ में तो प्लास्टिक अपने साथ रखिए। जहाँ डस्टबिन रहेगा उधर ही फेंकना है, नहीं तो कचरा नहीं करने का। कचरा नहीं करने का। मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेक मेनिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस जितना हो सके भाई को ब्रदर को सपोर्ट करिएगा। आप लोग यहीं से हो? हाँ यहीं से। अच्छा लोकल बंदा, चलो मिल के अच्छा लगा। अभी लगभग 12:30 बज चुका है और अभी हम लोग नहाने के लिए आया हूँ क्योंकि बहुत दिनों से नहाया नहीं ना इसलिए, और वैसे भी बहुत ठंड है इधर इसलिए नहा नहीं पा रहा हूँ। पूरा ग्लेशियर का पानी है इधर और अभी हम लोग इधर आया हो नहाने के लिए। देखते हैं बेस्ट लोकेशन कौन सा रहता है और हम उधर ही रहेंगे। देखो रास्ता खराब। ये रहा नदी, ये भी रहा नदी। मैं वो थोड़ा आगे जाके नहाऊंगा और इससे आगे नहीं जाऊंगा। तबीयत भी इतना अच्छा नहीं है मेरा, इतना ठंड है। जगह मिल गया है अभी हम लोग यही नहाऊंगा। मौसम भी खराब होने वाला है थोड़ी देर बाद, तो जल्दी जल्दी नहाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। करके हमने नहा लिया और भाई नहा के आ गया अभी हम लोग। और ये रहा हेलीपैड, ये देख सकते हो। और मौसम खराब होने वाला है अभी, और अभी हम लोग टेंट की ओर जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ का नजारा, फर्स्ट टाइम आया इधर है, इस साइड तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। पहुँच गया हूँ अभी मैं, और सोनू भाई गया है कुछ लाने के लिए इधर बिछाने के लिए क्योंकि पानी घुस जाता है ना इसे। लाया सकते हो गाइस, पूरा सामान बाहर निकाल दिया हमने। और ये कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, मेट लाया। मेटस, चलो हमारे लिए अच्छा होगा, ठंड भी कम लगेगा रात को। गुड आफ्टरनून गाइस, एकदम बड़े बहुत ही बढ़िया होके रखा है अभी केदारनाथ का मौसम। ये देखो पूरा धूप निकल के आया है और मुझे लगा था कि ये मौसम खराब होगा, लेकिन यार बहुत ही मौसम बहुत अच्छा होके रखा है अभी। और हमने पूरा न्यू सेटअप किया है आज बढ़िया से। अच्छा लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है। लगभग 5 मिनट हो गया, एक अनाउंसमेंट किया था रोड क्लोज हो गया है, तो लगभग 3 घंटा लगेगा खोलने के लिए। ऊपर से नीचे के लिए यात्री को जाने नहीं दे रहा है अभी। और अभी हम लोग जा रहे हो आगे जो की ग्लेशियर जुटा है ना उसको देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। ओ वैसा मत भागो, जो टूटा है ना वो लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे, तो अभी हम लोग जा रहे हो अभी इधर ही। ऐसे लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ होगा शायद, मुझे प्रॉपरली पता नहीं। हेलीकॉप्टर आ रहे, हेलीकॉप्टर भरा है इधर भी। ओ हो
तो कैसे भी ऐसा कुछ जगह में पहुंचा हूँ, हमें जाना है नीचे की तरफ जहाँ रास्ता बन हुआ है। अभी फिलहाल भाई को याद आया कि ड्रोन उड़ा लिया जाए। ये देखो भाई, थोड़ा वेट करते हैं, ड्रोन उड़ा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं नीचे। कितना लेकर लेता है? वही देख के। अच्छा अच्छा, वही मतलब आपका 40 kg हो गया तो पड़ेगा 3000। आने जाने का कितना? आने जाने का 3000-4000-5000। अच्छा भाई, देख सकते हो इतना भारी वजन उठा है यार। और हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाले हैं। जाने की रास्ता बंद हुआ था उधर, बस पहुंचने वाले और थोड़ा बचा है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इधर ही ग्लेशियर पूरा रास्ता बंद कर दिया था, पूरा रास्ता बंद कर दिया था। अभी थोड़ा खुल रहा है रास्ता और ये यात्री लोग आ रहे हैं अभी। इसको देखने के लिए आया हम लोग इतना दूर से। ये देखो, ये पूरा बंद पर गया था, ऊपर से पूरा बर्फ पर गिर गया। ये देखो, इस पहाड़ से ही पूरा ग्लेशियर नीचे गिर गया था रास्ता में। ओहो, ये देखो हेलीकॉप्टर। सोनू भाई कहाँ चला गया पता नहीं। बस मैं अभी मतलब नीचे आते वक्त गिर गया था यार, हाथ देखो और अभी मिट्टी लगा हुआ है यार। केवल थोड़ा जल्दी में आ गया, क्या ही बोले। अब ऊपर जाना है, लेकिन सोनू भाई कहाँ है पता नहीं मेरे को, क्या ही बोले। अभी बस वेट कर रहा हूँ उसका। और वैसे टेंशन कोई बात नहीं, अम्ब्रेला है मेरे पास। आ गया है अभी यार, क्या इतना स्पीड चलता है ये, इसकी वजह से गिर गया मैं आज। तो अभी भी देखो देखो भाई मंकी, ये देख रही हो ना, यहाँ बंद हुआ है रास्ता, यहाँ बंद हुआ था, अभी खुल गया है। लेकिन खुल गया है अभी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आराम से आ सकते हो आप लोग। ये देखो, चलो चलो। ये देखो भाई, इतना भारी वजन उठा के ले जा रहे हैं यार ऊपर। मेरे से तो यार मेरा बैग उठाया नहीं जाता। ये लोग देखो भाई, इतना मेहनत। अभी भयंकर भला बारिश दे रहा है। अभी हम लोग होटल पे रुका हूँ कुछ खाने के लिए, वो खाएंगे अभी फिलहाल हम लोग। तो आ गया समोसा, चलो चलो। वो हमने पैक करवा लिया अभी, ये समोसा और ये चाउमीन। चलो देख सकते हो बर्फबारी हो रहा है फिलहाल, हम लोग जा रहे हो अपने टेंट की ओर। भाई देख सकते हो खतरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है फिर से यार, क्या ही बोले। चलो कोई ना, हम लोग अभी जा रहा हूँ। और सुनू भाई अभी लाइव जा रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे, और भाई इतना रुक रुक के जा रहे हैं बोलो मैं तो। और ये दोस्त मिल गया हमें हरियाणा से, ये लोग। तो दोस्तों हम लोग अभी नीचे से ऊपर आ गया, पूरा मंदिर तक मतलब मंदिर पहुंच गया हूँ अभी। तो रास्ता मतलब बंद जो हुआ था उसको देखने गया था, अभी पूरा ऊपर आ गया हूँ मंदिर के सामने। और ये देखो, और सोनू भाई लाइव जा रहे हैं अभी, और थोड़ी ही देर में हम लोग टेंट में जाएंगे, मन लग रहा है मेरे को, चल ही जाना है सोनू। और ये देखो, दर्शन कर लो, हर हर महादेव। तो गाइस अभी रात का लगभग 10 बजने वाला है, और तभी जो हम लोगों ने होटल में वो समोसा एंड चाउमीन जो पैक कराया था ना, वो अभी हम लोग खाने वाला हूँ, ये देख सकते हो। तो गाइस इसको मतलब खा के, सोनू भाई का हर दिन की तरह वही सीन, इतने सारे मैसेज कर रिप्लाई करना। ये देखो भाई, भाई ये देखो इंस्टाग्राम पे, सच में यार चलो चलो परेशान चलो हो जाता हूँ। और ये देखो इतनी सारी रिक्वेस्टें पड़ी हुई है यार, क्या करे मेरे भाई यार। वही तो इसी से बोलूंगा आज, तो यही करेगा रिप्लाई सब लोगों को, मैं नहीं करने वाला। तो गाइस ये खा लेता हूँ, और ब्लॉग भी थोड़ा बहुत लंबा हो गया है। तो मिलते हैं कल और एक नई डेली ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब।